आपकी चल रही है, पहला मैच हार गए थे आप लोग, क्लोज मार्जिन था, कितना वर्क कर रहे हैं प्रैक्टिस सेशन के अंदर? जी बिल्कुल, अभी तो टूर्नामेंट का स्टार्ट है और पहला मैच हुआ है हमारा, और बस यही कोशिश है हमारी कि उसमें जो हमने गलतियाँ कुछ की हैं उसको बेहतर करने की कोशिश करें, रिपीट ना करें, और जो अच्छी चीज़ें की हैं उन पे भी फोकस करें, उनको और अच्छा करने की कोशिश करें। साइम, स्पेशल आपको अटेंशन दी जाती है नेट के अंदर भी, सपोर्ट भी किया जाता है खासकर डैरन समी कप्तान की जानिब से, इससे कॉन्फिडेंस और ज़्यादा मिलता है या प्रेशर भी एड ऑन होता है कि आपसे एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है? नहीं, अब मैनेजमेंट का सपोर्ट तो पूरी टीम के साथ ही है, और जो भी प्लेइंग 11 का पार्ट उनके माइंड में होता है उसको वो अटेंशन पूरी देते हैं और कोशिश करते हैं कि फुली प्रिपेयर्ड हो। सैम, लास्ट सीजन में ना आखिरी तीन मैच में आपने अच्छा फिनिश नहीं किया था, जिसकी वजह से आखिरी मैच आप हार के टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। लास्ट मैच में भी इसी तरह से हुआ, आपने ओपनिंग अच्छी की फिर उसके बाद फिनिश अच्छा नहीं किया जिसकी वजह से मैच हार गए आप, तो क्या लगता है एक साल गुजरने के बाद भी आप कुछ सीखे नहीं है या फिर उस पर काम ही नहीं किया? जी बिल्कुल, T20 जो है मोमेंटम की गेम है, और जब मोमेंटम पकड़ लेते हैं तो फिर सामने वाली टीम को जो है बिल्कुल ही अटैक करके गिराना पड़ता है, क्योंकि कभी भी पलट के वापस आ सकती है। और जहाँ तक आपने पिछले साल की बात की, बिल्कुल हमने कुछ गलतियाँ की थी जिसकी वजह से हम लोग क्वालिफायर में जीत नहीं पाए थे, बट इस साल हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं कि पहले मैच में हम लोग जो मोमेंटम एंड तक कैरी नहीं कर पाए उस पर काम करें और कोशिश करें कि वो और अच्छा हो सके। साइम, आपकी नो लुक शॉट भी बहुत मशहूर है, कल हाजन आफे भी खेल रहे थे, बाकायदा तौर पर नदीम उमर ने भी बताया कि ये दोनों का पेयर होता है, आप हाजन आफे को कैसा देखते हो, कल की बैटिंग कैसी लगी आपको? जी बिल्कुल, बहुत टैलेंटेड है, मेरे साथ तो वो कराची में भी बहुत खेलता रहा है, मैं तो उसको बहुत पहले से इवन बचपन से ही जानता हूँ, और माशाल्लाह अच्छी बैटिंग की है, उसके लिए दुआएं हैं, उसके लिए बहुत खुश हूं मैं। और शॉट तो मॉडर्न शॉट है, सब लोग ही ट्राई करेंगे इसको खेलने के लिए, बल्कि सारे शॉट्स ही ट्राई करेंगे, क्योंकि T20 क्रिकेट है, मॉडर्न क्रिकेट में ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि पूरे ग्राउंड में आपको शॉट्स खेलने पड़ता है। सैम, रनआउट जब हुए थे तो आप और बाबर खाना के बड़ा अच्छा कम्बिनेशन जा रहा था, और उस वक्त ऐसे लग रहा था जैसे पेशावर वन साइडेड जीत जाएगी, तब बाबर ने आपसे क्या कहा था जब आप रनआउट हुए थे? रनआउट तो मैं जैसे ही हुआ हूँ तो मैं चला गया था, बाद में उन्होंने बोला कि सॉरी मेरी वजह से आउट हो गया, बट मैंने बोला नहीं, वजह कोई नहीं थी, मेरी गलती थी, और ऐसा हो जाता है, पार्ट ऑफ गेम है, तो ये चलता रहता है, पार्ट ऑफ गेम है, गलतियाँ भी होती हैं, साथ भी एक दूसरे का देता है। साहिब, इस पर अगर आप बैटिंग को देखें सलमी की, तो बड़ी डेप्थ तक बैटिंग है, तो बाजूकात ये भी होता है कि ज़्यादा लंबा बैटिंग ऑर्डर हो तो उसका थोड़ा सा रिलैक्स होता है, ये नहीं हुआ कि जो फिनिशिंग नहीं कर पाए, रिलैक्स नहीं कर, लंबी बैटिंग कर लेंगे इसको? नहीं, एक मैच के बाद जो है ना हम लोग खुद जो है वो जज नहीं कर सकते बैटिंग ऑर्डर या बॉलिंग को, बट ये है कि जैसा मैंने बताया कि T20 गेम है, इसमें मोमेंटम आपको एंड तक कैरी करना पड़ता है, आप बिल्कुल भी लूज नहीं छोड़ सकते, और गलतियों की गुंजाइश कम होती है, तो हमारी यही एक्सपेक्टेशंस भी हैं और उम्मीद है बैटिंग ऑर्डर से कि इंशाल्लाह आगे जो हमने गलतियां की हैं पीछे वो आगे ना दोहराएं और उसको इंशाल्लाह बेस्ट करें। साहब, ये बता दीजिए कि अभी आप डैरन सैमी के साथ कोई चल रहा था, ये क्या चैलेंज था या किस तरह से ये थोड़ा सा? ये जी वो पार्ट ऑफ प्रैक्टिस था हमारा, थोड़ा सा वो फन ऐड करने की इसमें कोशिश करते हैं, थोड़ा सा एंड में फन भी हो जाता है साथ में ना, तो वो थोड़ा काइंड ऑफ टीम जेलनेस भी हो जाती है, तो यही था कि 6 बॉलों पे 3 रन बनाने हैं, तो उनका खुद का भी फन हो जाता है, क्योंकि वो भी पूरे दिन कोच की तरह जो है वो, मतलब कोच है हमारे तो खड़े रहते हैं, तो उनको भी थोड़ा फन चाहिए होता है, तो उन्होंने बोला कि एक ओवर का चैलेंज खेलते हैं सबके साथ, तो वो हर साल ही इस तरह वो प्रैक्टिस में करते हैं और हम इसको बहुत एंजॉय करते हैं। अच्छा साहिब, आप यहाँ पर एक मैच खेल चुके हैं और बाकी मैचेस भी देखेंगे, पिच किस तरह से रेट करते हैं लाहौर के पिच को, और क्या जो है वो अप्रोच देंगे खेलेंगे अगला मैच? अप्रोच तो देखें, पेशावर जलमी तो अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट ही खेलती है हमेशा से, चाहे प्रेशर में हो या चाहे ना हो, तो हम लोग यही कोशिश करते हैं कि जो भी कंडीशन हो, जो भी सिचुएशन हो, उसमें अटैकिंग ऑप्शन चूज़ करें, चाहे बॉलिंग हो चाहे फील्डिंग हो, और कंडीशंस की जहाँ तक आपने बात की, तो यहाँ पे हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं, प्रेशर गेम्स होते हैं, तो उसको हमारा फोकस है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उससे अच्छा करें पहले। थैंक यू।